हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं, आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको फैक्ट्री विजिट कराने आ गया हूँ कि मशीन, अभी अब तक बहुत सारा वीडियो हम लोगों ने आपको दिखाया, बट इस बार मैं कुछ ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ कि इस वीडियोज़ में आपको ये देखने को मिलेगा कि मशीनें कैसे तैयार होती हैं, कैसे फैक्ट्री में वर्क होता है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाने के लिए आ चुका हूँ। अब मैं चल रहा हूँ अंदर और फैक्ट्री के अंदर लेके चलूँगा। इसमें आपको दिखाऊँगा कि कंस्ट्रक्शन मशीन जो होती है, जो इससे रिलेटेड मशीनें जो होती हैं, कैसे तैयार की जाती हैं, यहाँ पे वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और थोड़ी बहुत मशीन के बारे में भी बताएंगे। यहाँ के ओनर से भी मिलाएंगे कि कैसे ये वर्क करती है, या आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कैसे यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। तो आइए और चलते हैं, मशीन फैक्ट्री विजिट करके आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं। फैक्ट्री के अंदर और कैसे यहाँ पे मशीनें तैयार हो रही हैं, वो भी हम आपको दिखाने के लिए अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डायरेक्टर कंपनी के डॉक्टर मोहन मिश्रा सर। तो बहुत बहुत पहले धन्यवाद सर कि आपने हमें एंट्री करने का मौका दिया यहाँ पे। तो हम कुछ व्यूवर्स को नया दिखाने के लिए आ चुके हैं कि मशीन कैसे बनती है। तो हमारे पास क्या क्या मशीन होने वाली है सर? सर, हमारे पास कंस्ट्रक्शन मशीनरी की छोटी से लेकर बड़ी तक की सभी मशीनरी बनती हैं। और यदि कोई कस्टमर अपने मन अपनी इच्छा से भी कुछ मॉडिफाई करवाना चाहते हैं, वो भी हमारे को ऑर्डर देके अपने हिसाब से मशीन बनवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरी जो आप देख रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पे मशीन खुद तैयार किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, काफ़ी सारी मशीनें यहाँ पे देखिए तैयार की हैं, खड़ी हैं। यानी आपको जो रेट यहाँ पे मिलने वाला है ना दोस्तों, कहीं और नहीं मिला, डायरेक्ट फैक्ट्री में विजिट मैं लेके किया हूँ। इसीलिए मैं सर के पास आया हूँ कि सर जो जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले मैं सर का इंट्रोडक्शन आपको बताऊँ, PhD है बिजनेस मैनेजमेंट में, बिजनेस में, और इसके साथ साथ एक बिजनेस कोच भी हैं। साथ सर को इस साल 2023 का बेस्ट अवार्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मिल चुका है। तो सबसे पहले सर कंग्रेचुलेशन कि आपको ये अवार्ड मिला, बहुत कम लोगों का ऐसा नसीब होता है मिलना। तो सर, मशीनें स्टार्ट थोड़ा बहुत दिखाइए, थोड़ा बहुत बताइए कि लोग कैसे इसको कर सकते हैं, मशीनें जो आपकी रेडी हो रही हैं कैसे तैयार हो जा रही हैं, वो थोड़ा दिखाइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आइए सर, हम आपको शुरू करते हैं। यह जो मशीन है, चार चैनल लिफ्ट मशीन बोलते हैं। इस मशीन की खासियत यह है, यह जो चलती है, अधिकांशतः आपका मिर्ज़ापुर, बनारस, इलाहाबाद, जौनपुर के आसपास। यह मशीन बहुत ही हैवी मशीन, यदि आप लोगों को 8 मंजिल, 10 मंजिल या 15 मंजिल का भी यूज करना है बिना सपोर्ट के, तो चार चैनल लिफ्ट मशीन लेके आप अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। खासकर जो लोग पानी टंकी वाला काम करते हैं, इस मशीन से लेके काम कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी एक और जो खासियत है, मार्केट की मशीन हमारी मशीन में अलग करती है। हम लोग जो बिल्डिंग करते हैं, मिड बिल्डिंग करते हैं, आप लोग देखेंगे मिड बिल्डिंग, यह बिल्डिंग जैसे रेलवे में हैंडल लगता है, लोग 10 लोग अटक जाते हैं, कभी टूटते नहीं हैं, उसी प्रकार ये हमारी बिल्डिंग है। तो एक बार मशीन हो गई तो बिल्डिंग नहीं टूटना है, पूरी मशीन में पूरी कलाकारी बिल्डिंग मिड बिल्डिंग की होती है। आप देखेंगे मिड बिल्डिंग, ये देखिए वहाँ काम करेगा मिड बिल्डिंग, आप चलते हुए दिखाइए सर, ये देखिए ऑटोमेटिक, इसमें राड नहीं लगाना पड़ता, मिग बिल्डिंग जो है चलता रहता है, ये देखेंगे। साथ में इसमें CO2 होता है, मिग बिल्डिंग ये हो गया। इस प्रकार हर तरह की मशीनें, और जो हमारे यहाँ बिल्डिंग मशीन लगी हुई है, सारी बिल्डिंग मशीन कम से कम 400 एम्पीयर की लगी हुई है। ये जो मशीन यहाँ पे बन के देती है, ये लिफ्ट हॉपर मशीन, लिफ्ट हॉपर मशीन से भी यदि किसी को स्थाई काम करना है या कि कम समय में ज़्यादा काम करना है, तो लिफ्ट हॉपर मशीन लेके भी अपने काम को कर सकते हैं। और साथ में आप देखेंगे यह जो मशीन है RM800, यह मशीन RM800 है, 2 बोरी का माल एक साथ बनाता है, और इसमें ऑटोमेटिक
पानी लेता है, साथ में प्रिंटर भी है, कितना गिट्टी कितना सीमेंट कितना रेती लगा पूरा प्रिंटर ऑटोमेटिक प्रिंट इसमें निकलता, ऑटोमेटिक प्रिंटर उसमें लगा रहता है और लोड सेल भी पूरा उसमें कंप्लीट लगा रहता है। ये मशीन आपको हम दिखाएंगे 616 ब्रांड की मशीन, और इसमें जो हम लोग लॉक लगाते हैं दोस्तों, ये लॉक लगाते हैं डबल लॉक होता है, इसका वजन टन करके भी 44 किलो यह 44-45 किलो आता है, ये लॉक होता है। इसमें भी आप देखेंगे डबल लॉक लगा रहता है, 50 ओम का शाफ्ट है, टूल बॉक्स भी सामने लगा रहता है, हंडी हैवी होती है। दोस्तों जैसा कि अभी आपने जो मशीन अभी तक हमारी देखी, ये मशीनें बनते हुए मशीन देखी हैं, मशीन बनती कैसी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके बाद हम आपको आगे दिखाएंगे कि मशीन पेंट कैसे होती है और यही मशीन पेंट होने के बाद कैसे दिखती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं आगे पेंट कैसे होती है और पेंट होने के बाद कैसे मशीन दिखती है। दोस्तों साथ में आप लोग देखेंगे कि जो टायर भी हम लोग लगाते हैं 8-25-16 का टायर लगाते हैं, हंडी भी लगाते हैं, 10 mm का कली पटरा होता है दोस्तों, तवा 10 mm का होता है, बहुत ही हैवी हंडी होती है, इसमें लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आती है। आप लोग देखेंगे साथ में पेंट कैसे होता है, झारखंड सिमडेगा जाने के लिए तैयार है। और दोस्तों ऐसे ही जब पेंट होने के बाद यह कंप्लीट मशीन इस तरह आप हो जाती है। साथ में आप बीच में देखना चाहेंगे मेट्रो ट्रेन भी हम लोग बनाते हैं, इसे स्लैब ट्रॉली बोलते हैं, इसमें लेबर कम लग, छत में काम करने के लिए 2 लेबर में काम हो जाता है और 2 लोगों की बचत होती है। इसमें मशीन पेंट होने के बाद आप देखेंगे कम्प्लीट 716 मशीन कम्प्लीट रेडी है, जो कि ये रायगढ़ उड़ीसा जाने के लिए तैयार है। और साथ में ये जो मशीन जाएगी ये कुंजाम सर की मशीन भुवनेश्वर जाने के लिए तैयार है। और इसके साथ में दोस्तों आप देखेंगे हाफ बैग मिक्सर मशीन, जैसे बच्चा मशीन भी कहते हैं, इस मशीन को लेके भी यदि कोई छोटा काम करना चाहते हैं, किसी गमला काम करना है, फिनिशिंग पोल काम करना है, या छत कॉलम का क्रेम काम करना है, छत ऊपर ले जाना है, ये मशीन फोल्डिंग मशीन है, उसे लेके भी अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं और अपना खुद का रोजगार चालू कर सकते हैं। दोस्तों छत में यदि लेबर कम लगाना है तो आप हाथ ठेला लेके भी आप अपने काम को कम कर सकते हैं, माने बचत कर सकते हैं लेबर की, इससे कम समय में ज़्यादा काम छत में होता है। और जो ये हाफ बैग का ठेला है और इसमें आप 2 बार में 1 बैग मसाला को लेके छत में ले जा सकते हैं और अपने समय की और पैसे की बचत कर सकते हैं। दोस्तों इसे हाथ ठेला बोलते हैं।